हाय फ्रेंड्स, कुक विद दीबा में आपका स्वागत है। अगर से आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी है साबूदाना खिचड़ी विथ स्प्राउट्स, जो कि स्प्राउट्स मैंने यूज़ किए हैं मूंग दाल के, जो सारी मूंग होती है उसके। कुछ इस तरीके से ये डिश दिख रही है। चलो गैस स्टोव ऑन कर लेते हैं, मीडियम फ्लेम रखते हैं, अपनी कढ़ाई गैस स्टोव पर रख देते हैं। अब हमें लेना है एक बड़े चम्मच तेल। ओके फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए, चेक करते रहिए। तेल गरम हो जाए तो उसके बाद डालिए आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच राई। ओके फ्रेंड्स, इसे अच्छे से चटकने दीजिए। तेल गरम रहा तो जल्दी चटक जाता है, हल्का सा थोड़ा कम गरम रहा, कोमा रहा तो थोड़ा टाइम लेता है। स्पून को चलाइए कुछ इस तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, जो कि मैंने 6 ली थी और इस तरीके से कट कर ली थी। अब हम इसमें डालेंगे करी लीव्स, जो कि होता है कड़ी पत्ता जिसे बोलते हैं हम, वो। ये सब तड़के का सामान है गाइस। अब अच्छे से हम इसे भून लेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारा तड़का रेडी है। देखिए, अब हम डालेंगे इसमें एक प्याज बारीक कटी हुई कुछ इस तरीके से, और उसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि उस प्याज का कलर गोल्डन ना हो जाए। ओके फ्रेंड, कुछ इस तरीके से। अब ऐड कर लेंगे हम एक छोटा चम्मच नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को। जो भी प्याज हमने ली है, तड़के का सामान है, वो सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओके, अब हमें डालना है चुटकी भर हल्दी, कम हल्दी डालना है, और आधा छोटा चम्मच हमें डालना है धनिया पाउडर। ओके फ्रेंड्स, सूखे धनिए का जो पाउडर होता है उसका पीस कर जो हम रखते हैं, वो धनिया पाउडर। कुछ इस तरीके से, और अच्छे से भून गए इसे। अब हम ऐड करेंगे आधा टीस्पून, मींस आधा छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। ओके, कुछ इस तरीके से। अब हमने यहाँ लिए है स्प्राउट्स, जो कि है 100 ग्राम, जिसको अच्छे से स्प्राउट्स आ चुके हैं, मूंग के स्प्राउट्स हैं ये। अब ये डालकर हम अच्छे से भूनेंगे 5 मिनट्स तक कुछ इस तरीके से। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है, ग्रीनिश। इंग्रेडिएंट्स के जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो खूबसूरत इतने होते हैं कि आर्टिफिशियल कलर वो उतना मज़ा नहीं देते जितना नेचुरल कलर्स देते हैं। अच्छे से भून लीजिए इसे, गुड, कुछ इस तरीके से, गुड। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, जो आपका कप होता है उससे आधा कप, 50 ml आप कह सकते हो। और फिर पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए और लिड को क्लोज कर दीजिए 5 मिनट के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलो अब लिड को ओपन करके देखते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, हल्का सा इसमें वाटर है जो अभी हम भून कर उसे सुखा लेंगे अच्छे से। इस वाटर वाले स्टेज पे हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक कुछ इस तरीके से,
और अच्छे से मिक्स कर कर भून लेंगे, जब तक कि पानी पूरा सूख ना जाए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें साबूदाना चाहिए, साबूदाना इसके बाद डालना होता है, तो इसमें वाटर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो साबूदाना चिपचिपा हो जाता है। वही उसका सीक्रेट है कि वो चिपचिपा ना हो। और उसको हम सोक कैसे करते हैं उस पर डिपेंड है कि वो चिपचिपा रहेगा या खिला खिला रहेगा। देखो हमारा साबूदाना सोक किया हुआ है, फिर भी कितना खिला खिला दिख रहा है। ये कैसे सोक करने की प्रोसीजर क्या है, ये मैंने लास्ट में एक वीडियो डाला है, उसे अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने अच्छे से समझा दिया है। साबूदाना डालने के बाद अच्छे से आप इसको भून लीजिए, मिक्स कर लीजिए। देखो ये एकदम खिला खिला है, कहीं भी स्टिकीनेस नहीं है, कहीं चिपक नहीं रहा है। मूंग दाल को हमने पहले ही वाटर डालकर पका लिया था, उसके बाद जो थोड़ा सा पानी था वो भी हमने सुखा लिया था। अब हमें ऐड करना है लेमन, एक लेमन का जूस हमें ऐड करना है इस स्टेज पर। वो हम कर देंगे कुछ इस तरीके से। लेमन डालने से इस डिश में काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है और खाने में मज़ेदार लगता है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अच्छे से भूने। तो वही मैं कह रही थी कि साबूदाना जो भी डिश में हम डालते हैं, तो अगर से वो आपको खिली खिली चाहिए तो वाटर नहीं चाहिए होता है, सूखी चीज़ों में आपको वो डालना होता है। अब हम इसमें डाल लेंगे हरा धनिया बारीक काट कर कुछ इस तरीके से। देखिए मैं सीज़र यूज़ करती हूँ हरा धनिया काटने के लिए, आप लोग भी यूज़ करते हो क्या, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताएं। अच्छे से मिक्स करिए हरा धनिया डालने के बाद भी। देखो कितना अच्छा दिख रहा है इसका कलर। अब इसे हरा धनिया डालने के बाद 3 मिनट तक भूने अच्छे से कुछ इस तरीके से। हमारी साबूदाना खिचड़ी विथ स्प्राउट्स बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। और देखो वो ऐसी दिख रही है, कोरिएंडर लीव्स से आप उसे गार्निश कीजिए। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, जितनी ये खूबसूरत दिखती है उतनी ही खाने में ये स्वादिष्ट होती है और हमारे लिए हेल्दी होती है। चलो तो देखते हैं नॉनस्टिक साबूदाना बनाने के लिए उसे सोक किस तरीके से किया जाता है। तो एक बाउल में आप साबूदाना ले लीजिए और 4 से 5 टाइम इसे वाटर से अच्छी तरीके से मलमल कर धो लीजिए, हाथों से मलकर अच्छे से धो लीजिए। इस तरीके से ये वाइट वाइट जो स्टार्स दिख रहा है या पाउडर हो जो भी हो वो निकल जाए, अच्छे से वाटर ट्रांसपेरेंट हो, इसलिए 4 से 5 बार पानी से इसे धो लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब वाटर ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अब इसमें कितना वाटर है, हम जनरली जो चीज़ें भिगो कर रखते हैं तो इतने वाटर में भिगा कर रखते हैं, बट साबूदाने को ऐसे नहीं करना है, तो हम कम कर देते हैं वाटर। तो क्या इतना लेना है? इतना भी नहीं लेना है, इससे भी कम लेना है, ये करेक्ट है। हमें बस इतना लेना है कि साबूदाना फूले जब, तो वो फूलकर जितना बड़ा होता है उतनी ही स्पेस वाटर से कवर हो, उससे ज्यादा नहीं। तो साबूदाना और उसके ऊपर हल्की सी लेयर वाटर की, इस तरीके से हमें साबूदाना भिगो कर रखना है 2 आवर्स के लिए। और जब हम 2 आवर्स के बाद देखेंगे तो अच्छे से फ्लिप कर कर देखना है। देखो कैसा खिला खिला है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और अच्छे से गल भी चुका है। देखो कितने अच्छे से गल चुका है ये। तो इस तरीके से साबूदाना भिगो कर रखते हैं, जिससे आपकी खिचड़ी खिली खिली बनेगी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो, टिप्स और ट्रिक्स आपके काम में आई हो, आपको इम्पोर्टेंट लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दी गई बेल आइकॉन की बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसी वजह से आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।